दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया है और भारत के स्वदेशी पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA के लिए स्वदेशी रूप से स्टेल्थ नोसकॉन को डेवलप कर दिखाया है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत के पांचवी पीढ़ी के AMCA फाइटर जेट के लिए एक स्वदेशी स्टेल्थ नोसकॉन को डेवलप कर दिखाया है। दोस्तों यह क्रिटिकल कंपोनेंट स्टेल्थ तकनीक के साथ लो ऑब्जर्वेबिलिटी फीचर से लैस है जो एयरक्राफ्ट के RCS को बहुत हद तक कम कर देगा। साथ ही इस पर रेडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल की कोटिंग की जाएगी और ADA स्टेल्थ नोसकॉन को तेजस MK2 और तेजस MK1 में लगाने की योजना बना रही है। दोस्तों वर्तमान में तेजस MK1 में ब्रिटिश कोवम द्वारा सप्लाई की जाने वाली नोसकॉन का उपयोग किया जाता है, जिस कारण से तेजस फाइटर जेट के एक्सपोर्ट में भी भारी समस्याएं निकल कर आ रही हैं। तो अगर तेजस फाइटर जेट में AMCA का स्टेल्थ नोसकॉन का उपयोग किया जाता है तो तेजस का RCS कम होगा और अर्जेंटीना जैसे देशों को आसानी से तेजस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और AMCA प्रोग्राम के माध्यम से हासिल की गई तकनीक रेडार नोसकॉन टेक्नोलॉजी भारत के आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। साथ ही आने वाले भविष्य के तेजस MK2 और TRDBF प्रोग्राम के लिए एक स्वदेशी नोसकॉन को उपलब्ध कराया जा सकता है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो हाल ही में भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देखा गया है, जिसकी एक फ़ोटो निकल कर आ रही है। दोस्तों इस फोटो में S-400 सिस्टम को एक 4 ट्यूब वाले कनेस्टर सिस्टम में देखा जा सकता है, जिसे 51P6A ट्रांसपोर्टर एजेक्टर लॉन्चर बताया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इस एजेक्टर लॉन्चर को 400 किलोमीटर रेंज वाली 40N6E मिसाइल के साथ साथ क्वाड पैक में 120 किलोमीटर रेंज वाली 9M96E2 मिसाइल को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि फोटो में दिखाई गई जगह का कोई पता नहीं है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि S-400 को भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में तैनात किया जा रहा है, जो कि चिकन नेक कॉरिडोर के निकट होने के कारण रणनीतिक महत्व रखता है। दोस्तों S-400 को इस क्षेत्र में तैनात करने से चीन के संभावित हवाई हमले को पहले ही पता लगाकर नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।